Welcome students, I am Mehek. In the last video, we discussed the poem about Amanda. How her mother or Amanda ignores her. So, in this video, we will discuss its question answers. The first question is, how old do you think Amanda is? How do you know this? So, what do you think, Amanda? how will Amanda be? प्रॉबेबली टेन टू ट्वेल्व ईयर्स बिकॉज ऐसी हरकतें उन्हीं बच्चों की होती है एनीवेज सो द आंसर इज अमेंडाज एज कुड बी बिटवीन टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मो एंड रुंज दी स्टोरीज आर रेड बाय चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स अगेन इज अ किड शी इज जस्ट टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड हमें कैसे पता चला क्योंकि वो उन इमेजनरी पिक्चर्स को अपने दिमाग में रख के सोचिए कि मैं मर्मेड हूँ और मैं रिपुंजल हूँ ग्रोन अप नहीं करेगा ऐसा वो अडल्ट की तरीके से सोचेगा बट अ मैंडा थिंक्स शी इज़ अ मर्मेड वंस एंड देन शी थिंक्स शी इज अ रिपुंजल सो दिस मीन्स दैट शी इज़ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड ओनली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर ऑफकोर्स हदर मदर इज़ द वन हु विल टेल यू टू डू गुड थिंग्स मदर इज़ द ओनली पर्सन हु विल एक्सप्लेन यू वट टू डू इन द राइट वे सो द आंसर इज वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर वी थिंक दैट प्रोबली इट कुड बी हर मदर वी थिंक दिस बिकॉज इट्स अ जेंडरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रेन आर टेकिंगयर ऑफ बाय देर मदरस एट होम शी इज एट होम उसकी ममा बोल रहे हैं कि रूम ठीक करो शूज साफ करो ओके सो दैट मीन्स मदर इज़ टेलिंग अ मैंडर टू डू थिंग्स ओके The next question is: why are stanza 2, 4, and 6 given in parenthesis? What is parenthesis? Parenthesis ka hai bracket. Jab jab Amanda kuch bolti hai, ya, sochti hai wo brackets me The answer is parenthesis is a remark that is added to a sentence often to provide an explanation. So in stanza 2, 4 and 6. Parenthesis is used to describe reaction of child Amanda towards her mother's continuous nagging. So, parenthesis इसलिए यूज़ किया है ताकि वो कोई रिएक्शन दे सके उस चीज़ को जिसको हम एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से जैसे पहले पैराग्राफ में वो बोलती है कि मैं ऑफिन सेकेंड में वो बोलती है मैं मोमेड हूँ देन शी सेज आई एम रपजल ओके सो इसलिए उन पर जोर दिया हुआ है कि वो उसकी मम्मा उसे डांट रही हैं बट स्टिल शी इज़ इन अनदर वर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

So the answer will be the speaker in stanza two, four, and six is Amanda. No, she is not paying any attention to what her mother says. She is lost in her own thoughts. She imagines herself as mermaid, an orphan, and Rapunzel. The next question is, what could Amanda do if she were a mermaid? कि अमांडा क्या करेगी अगर वो मोवमेंट है वो क्या बोल रही थी शी शिव सिंह द लिटिल गर्ल अमांडा वॉन्ट्स टू बी अ मोवमेंट एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ ब्यूटिफुल ग्रीन सी शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी एंड शी विल बी टेकन अवे विद रन ऑफ वाटर शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम सो अमांडा बोलती है कि अगर मैं मोमेड हूँ सो आई विल बी लोनली इन दिस प्लेस हैप्पी एंड लोनली बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रिलैक्स शी सेज जब वाटर करंट्स आएगा आई विल फ्लो विद दैट आई विल स्विम विद दैट थिंग एंड उस वजह से उसको फ्रीडम भी मिल जाएगी अभी उसको लग रहा है उसके पास फ्रीडम नहीं है वाए बिकॉज हर मदर इज़ टेलिंग हर वॉट टू डू एंड वट नॉट टू डू सो शी थिंक्स अगर मैं मोमेड हूँ इट वुड बी बेटर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज द गर्ल यर्न फॉर What does this poem tell you about Amanda? So Amanda hai chahati hai or a poem Amanda key explain The little girl Amanda yearns for freedom and peace in her life. She is constantly reminded of her mistakes. Her parents want her to follow the code of conduct of good behavior. The poet has drawn the reader's attention towards the condition of children. आर कॉन्स्टेंटली अप्रेस्ड बाय देयर एल्डर्स इन द नेम ऑफ गुड बिहेवियर ओके अमेंडा क्या चीज़ चाहती है अमेंडा अमेंडा वॉन्स फ्रीडम एंड पीस वैसा क्यों बोलती है उसको क्यों चाहिए बिकॉज उसको लगता है कि उसके घर वाले उसको डांटी ही जाते हैं हर चीज में उसकी हर छोटी बात को पकड़ लेते हैं देन दिस कोल्ड ओके शी इज रिमाइंड ऑफ अवर मिस्टेक्स अगैन एंड अगेन इन द सेक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर की ये चीज़ करोगे देन ओनली यू विल बी गुड गर्ल तो वो इतनी इरिटेट हो जाती है दैट शी वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम एवरी थिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लास्ट टांजा डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी द आंसर इज इन आर सेंस अमांडा इज नॉट मूडी शी फील्स ऑफ बिकॉज ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सच स्मॉल थिंग्स लाइक क्लीनिंग द रूम सिटिंग स्ट्रेट क्लीनिंग हर शूज कंप्लीटिंग हर होमवर्क एट्सेट्रा So Amanda is not moody. We that she is not moody. She is very upset about it. Why? Because her mother keeps on telling her what to do again and again. She is telling her, "Don't bite your nails. Don't eat chocolate. Clean your room. Clean your shoes." So she is very irritated about that, and she is not moody. She is only not listening to her mother because her mother is continuously nagging at her. So these were the question and answers of Amanda. And in the next video, we will discuss the next chapter. Thank you.